दोस्तों भारत में SUVs के बाद अगर किसी का मार्केट तगड़ा है तो वो है हैचबैक्स, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक हर बजट की गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। टॉप 10 बेस्ट सेलिंग हैचबैक कौन सी रही और उनसे जुड़ी कोई अपडेट होगी तो वो भी आपको आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम कारों से जुड़ी सभी अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। 10 पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसके 4489 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2022 में। अभी हाल ही में इसमें CNG को भी ऐड किया गया है। टाटा टियागो की एक्चुअल प्राइस 5,19,000 रुपए से शुरू होती है और 7,65,000 रुपए तक जाती है। टाटा मोटर्स कोई कमी नहीं छोड़ता अपनी गाड़ियों को अपडेशन देने में। अभी टियागो में आपने देखा था कुछ टाइम पहले ही NRZ को भी ऐड किया गया था, जो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट था इसका, जिसका लुक थोड़ा सा SUV जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, जिससे इसकी ऑन रोड प्रेजेंस और भी बेहतर हो सके। 9 पोजीशन पर है टाटा की अल्ट्रॉज। टाटा अल्ट्रॉज के 5,011 यूनिट्स बिके हैं। टाटा अल्ट्रॉज का हाल ही में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को अनवील किया गया है। जैसा कि हमने आपको जनवरी में ही बता दिया था कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आने वाला है 1-2 महीने के अंदर, तो मार्च में इसको अनवील कर दिया गया है। जल्द ही आपको इसमें DCT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। टाटा अल्ट्रॉज की करंटली जो एक्चुअल प्राइस है वो 5,99,000 रुपए से शुरू होती है और 10 लाख रुपए तक जाती है। अब जब इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा तो वो थोड़ा सा तो महंगा रहने ही वाला है। अभी ये नहीं बताया गया कि कौन से वेरिएंट्स में आपको वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है ह्युंडई की i20, जिसके 5,830 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2022 में। जो पुरानी वाली i20 थी तो वो टॉप 10 में जगह बनाने में हमेशा ही कामयाब रहती थी, भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में। लेकिन नई वाली i20 जब से आई है तो तब से हमने इसको देखा नहीं है कि ये टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाए। एक तो इसके प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ SUV ने ज़्यादातर मार्केट को कवर कर रखा है। जो नई वाली i20 है इसकी एक्चुअल प्राइस 6,98,000 रुपये से शुरू होती है और 11,47,000 रुपये तक जाती है। फिलहाल ये अभी भी प्रीमियम हैचबैक के लिस्ट में अपने राइवल से 1,00,000 रुपये महंगी है। इसके अलावा i20 में अभी कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। जैसा कि पहले एस्टा ऑप्शनल में आपको सनरूफ मिलती थी, अब आपको एस्टा में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका सेकंड टॉप वेरिएंट है। इसके अलावा जो इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट, उसमें आपको ऑटो AC मिल जाएंगे, फुल्ली ऑटोमेटिक AC विद टेम्परेचर कंट्रोल। साथ ही आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाएंगे। ये अपडेट अभी i20 में किए गए हैं। बात करते हैं 7 पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की। हैचबैक की लिस्ट में ये 7 पोजीशन पर है और टॉप 25 गाड़ियों की लिस्ट में 16 पोजीशन पर आई है। 8,140 यूनिट्स बिकी हैं मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की फरवरी के महीने में। इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस 3,85,000 रुपए से शुरू होती है और 5,55,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद है ह्युंडई की ग्रांड i10 नियोस, जिसके 8,552 यूनिट्स बिके हैं। ह्युंडई की ग्रांड i10 नियोस ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको पेट्रोल CNG के अलावा डीजल का ऑप्शन मिल जाता है। मार्केट में ऐसी बहुत कम गाड़ियां रह गई हैं जो डीजल में भी आती हैं। हालांकि अभी बीते 8-9 महीनों से आपने देखा होगा कि पेट्रोल की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ग्रांड i10 नियोस की एक्चुअल प्राइस 5,30,000 रुपये से शुरू होती है और 8,51,000 रुपये तक जाती है। जैसा कि हमने आपको ग्रांड i10 के वेरिएंट एक्सप्लेन में बताया था कि ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी रहने वाली है। जिस सेगमेंट में आती है, उस सेगमेंट में जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है, सबसे बेस्ट स्पेक्स के साथ आपको ये मिल जाती है। हालांकि लोग इसकी जगह और भी गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये आपको काफ़ी फीचर पैक गाड़ी मिल जाती है। साथ ही इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। 5th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी सेलेरियो। मारुति सुजुकी सेलेरियो को अभी कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया गया है भारत में। सेलेरियो की ये नेक्स्ट जनरेशन है। काफ़ी बड़े अपडेट्स इसमें देखने को मिले, ऑल ओवर एक लुक को चेंज कर दिया गया है और इसकी ऑन रोड प्रेजेंस भी काफ़ी बेहतर है। 9,896 यूनिट्स बिके हैं इसके फरवरी 2022 में। जब ये लॉन्च हुई थी तो ही इसने लगभग 6,000 का आंकड़ा तो छू ही लिया था और अब ये लगातार 6 से 10 के बीच में बिकी जा रही है। इसकी प्राइजेस भी काफ़ी ठीक ठाक रखी गई हैं। आज के हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअल प्राइस 5,14,000 रुपये से शुरू होकर के 6,94,000 रुपये तक जाती है। इसके बाद है मारुति सुजुकी ऑल्टो। ये एक अफोर्डेबल कार है मारुति की तरफ से और भारत की अफोर्डेबल कार में से एक है। 11,551 यूनिट्स बिकी हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो की।
इसकी जो प्राइस है वो 3,25,000 रुपए से शुरू होती है और 4,49,000 रुपए तक जाती है। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में ही एक कम बजट की गाड़ी लेना चाहते हैं तो अल्टो एक अच्छी चॉइस हो सकती है, जो कि आपको 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के आसपास तक देखने को मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे सस्ती ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए एस्प्रेसो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थर्ड पोजीशन पर है मारुति सुजुकी बलेनो। ये एक प्रीमियम हैचबैक है मारुति सुजुकी की तरफ से, जिसके अपडेटेड वर्जन के प्राइसेस को अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया गया है। 12,570 मारुति सुजुकी बलेनो बिक गई है फरवरी 2022 में और इसके नए वाले मॉडल की डिलीवरीज भी शुरू कर दी गई हैं। अभी तो फिलहाल केवल ये पेट्रोल वेरिएंट में ही आ रही है, लेकिन सुनने में आया है कि इसमें आपको सीएनजी देखने को मिल जाएगा। बलेनो, स्विफ्ट, विटारा ब्रेजा, इनके सीएनजी वेरिएंट्स की अनाउंसमेंट भी की जा सकती है, लेकिन अभी ऑफिशियली सामने नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि सीएनजी भी आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल प्राइस 6,35,000 रुपये से शुरू होती है और 9,49,000 रुपये तक जाती है। सेकेंड पोजिशन पर है मारुति सुजुकी वैगनार। 14,669 यूनिट्स इसके फरवरी 2022 में बिक गए हैं। मारुति सुजुकी वैगनार में भी अभी कुछ अपडेट्स किए गए हैं, नए कलर ऑप्शन ऐड किए गए हैं, कुछ फीचर्स इसमें आपको नए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था। बीते कुछ महीनों से ये लगातार फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा था। ये गाड़ी काफी ज्यादा बिकती है अपने सेगमेंट में और इस महीने भी अच्छी खासी सेल रही इसकी। बात करें इसके प्राइस की तो 5,16,000 रुपए से शुरू होकर के 6,57,000 रुपए तक जाते हैं। और इसके अलावा नंबर वन पोजीशन पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसके 19,202 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2022 में। इस गाड़ी में भी कई सारे अपडेट होना बाकी हैं। हालांकि अभी कुछ महीने पहले ही मारुति सुजुकी में कई सारे बड़े चेंजेस किए गए थे और ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले साल यानी 2023 के अंत तक भी इसमें कुछ नए अपडेट किए जाने हैं। इसका जो लुक है उसको चेंज किया जाएगा, कुछ फीचर्स ऐड किए जाएंगे और हो सकता है कि हाइब्रिड इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाए, लेकिन उस वजह से इसकी प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो इसीलिए अभी कुछ दिन पहले ही इसकी प्राइसेस को भी बढ़ाया गया है। तो अभी तो कोई अपडेट नहीं है कि इसको अपडेट किया जाएगा, लेकिन स्विफ्ट में अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं साल के अंत तक।